समा बहुत कीमती है, वेस्ट ना करो, वेस्ट ना करो है। ये सोने है कितने डॉलर दे भाई, ये मेरी बेइज्जती कर रही है, देख रहा हूँ टुडेज ब्लॉगर भी लाइक। ओ भाई खतरनाक। रामलाल रामलाल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं आइकिया, क्योंकि आज आपको दिखाने वाले हैं व्लॉग की कहां से जो स्टूडेंट्स हैं आके अपना बेड फर्नीचर लेते हैं बहुत ही सही प्राइस के अंदर। और आज बेड लेना था रमन को, तो इसने आज फिर से नाश्ते की रिश्वत दे के मेरे को टाइम से बुला लिया। तो आज इसको फिर लेके आए हैं आइकिया, आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ से अब बेड देखेंगे। वैसे तो मैंने चूज कर रखा है कि इसको कौन सा बेड दिलाना है, मैंने भी एग्जैक्टली वही बेड लिया था, बट फिर भी एक बार अपने अंदर घूमते हैं, और भी चीज़ें कुछ पसंद आ गई तो मैडम के पास अभी GIC आ रही है बढ़िया, तो और भी कुछ दिला देंगे। और वैसे अंदर बहुत अच्छी वाइब है, तो पहले आई तो नहीं ना इतने करे भी नहीं, तो दिखाते हैं भाई। अंदर जाने के बाद तो मन करता है कि सारा कुछ ही उठा लो, तो आप सबको भी आगे ब्लॉग के अंदर दिखाते हैं फिर। बेड तो अलावा भी कोई फर्नीचर सारा मिलता है, वही तो कह रहे हैं ना, अभी अंदर चलना, अभी देखना अंदर बेड क्या सारी चीजें हैं और इतनी सही। वेलकम टू आइकिया, आई थॉट दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग एंट्रेंस। अब एक किचन विचन का सामान सारा एंड ऑल। किमे सिर्फ बेड लेना है क्या? जी नहीं कर रहे हम देख के, नहीं जी तो करूंगा पर इट्स गुड। की कह रही है? गलत था पे आ गया। मैं तुम्हें आख्या ही सीखा, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना अकाउंट के अंदर अपने पैसे देखने लग गया था कितने पड़े हैं, क्योंकि चार पांच चीजें पसंद कर ली, बेड मैट्रेस टेबल और एक चीज होती चार चीज, और मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पे आना बिल्कुल, इसलिए फिर आवे डार्क थिंग है ना। सारे कंसेप्ट वगैरह भी इन्होंने बना के दिते हुए कि तुसी किस तरीके ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही तो बात है, अब स्टूडेंट्स वगैरह जो भी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे अपने इंडिया में जाते थे ट्रक वगैरह करवा के, यहाँ पे भी वैसे यू हॉल हो जाते हैं अगर सामान आपका ज़्यादा हो रहा है, बट अगर बेड लेना है तो बेड ये पैक करके देते हैं ऑलरेडी हमें जाके अंदर, मतलब अपने घर पे फिर इसको फिर करना, और बहुत ईजीली हो जाता है, मैनुअल दे रखी होती है। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि बेड लेने के बाद कार के अंदर कैसे लेके जाएंगे हम, क्योंकि सारा बेड कार के अंदर ही आ जाएगा। और मैं तो विद मैट्रेस लेके गया था, मैट्रेस भी उन्होंने पूरा फोल्ड करके देते होते हैं, दोनों चीज़ें आ जाती है कार में, तो लास्ट में वो भी दिखाएंगे कैसे घुसाने वाले हैं कार में। समा बहुत कीमती है, वेस्ट ना करो, वेस्ट ना करो है। ये सोने कितने डॉलर थे? $8 है ना, ठोंकने $8 नहीं पहले बेड आ वाला कंसेप्ट ले चलिए पूरा लिविंग रूम बना लो, लैंप भी ला रखे होते देखिए सेंटर टेबल पे, सोफे के नाल जो बेड होता है वो चीज है ना। हां बेड मतलब बेड एक्सटेंड हो जाते हैं सोफे जगह, वैसे तो आई लाना चाहिए बंदे नु है ना, दोनों काम हो जाए कमरे च। ये कितने का देखिए, आ थोड़ा जा आईडिया हो जाए इतना, की ख्याल है? नहीं नहीं रहने दो, टेबल सोने लग रहे हैं ना, आ सेम टेबल मैं हुने जेड़ा दस रहा सी ना आई लेके गया सी, अगले दो तीन टेबल लेके गए असि, ये बेड दे साइड च, क्योंकि बेड भी तैन दिखाऊंगा इस कंसेप्ट दा, ते बेड दे साइड च दोनों लग जांदे सोने लग। तो जितने भी स्टूडेंट अभी जो आ रहे हैं गाइस, एक बार आइकिया विजिट जरूर करना, आपको सभी बोलेंगे मार्केट प्लेस से उठा लो, देखो अब ज्यादा सामान उठाओगे आप मार्केट प्लेस से सस्ते में, बट आपको यू हॉल कराना पड़ेगा। और कैनेडा आप आ गए हो, जाने आप वाले नहीं हो वापस, PR आप इधर लोगे और इधर ही रहोगे, तो कम से कम फर्नीचर चलो बंदा सोचता है नया खुद का ही बना ले, 5-6 साल काम आ जाता है। अब मैंने वैसे तो सोच रखा है इसको बेड कौन सा दिलाना है, और वो आज हुआ क्या, पूरे GTA में कहीं भी अवेलेबल नहीं था, ना फोन में ना इटोबिको में, कहीं भी नहीं ब्रैम्पटन वगैरह में, तो बर्लिंगटन आई है 60-70 किलोमीटर। तो मैंने कहा अगर चीज़ दिलानी है तो ढंग के दिला दें, और जो व्हाइट कलर का मैं तुमको दस्या है ना वो, तो मतलब जो व्हाइट कलर का बेड है वो थोड़ा $50 सस्ता भी है, तो चल के आपको वो भी दिखाते हैं, पूछते हैं किससे कि बेड वगैरह कहाँ पे है। Hi there, where are the bed sections? That way? तो भी मैडम ने बताया कि बेड इज दैट वे, अब दैट वे जा रहे हैं तो जी आ गए अब बेड सेक्शन में, जेड़े जेड़े वेखेंगे कहेंगे आ भी चक लो मैं तो आ भी चक लो मैं। स्टोरेज तो नहीं चाहिए, जब आप स्टोरेज ऐड करवाने हैं ना थल्ले तो फिर चार्जेस बढ़ जाएंगे उसके, मतलब बेड के जेड़ा $200-$300 का बेड आना है वो $400 का हो जाएगा। यार ये टेबल भी अच्छा है ना, ये ड्रोजेस वगैरह होगी, मैं थोड़ा छोटे वाला लेके गया था टेबल ना, वो मैंने मार्केट प्लेस से उठाया था, कुछ है ना वो सिर्फ उतने पैसों में। हाँ, जल्दी डिसाइड कर कौन सा लेना है, फिर मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं जड़ा कह रहे हैं तेनों। प्राइस बजट कितना है अपना, ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डबल हो गया, डबल हो गया, इन्हें पैसे नहीं लाने। ये वाला बेड कैसा है,
ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ $70 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਲੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ 269 अब ये बेड इतना वैल्यू फॉर मनी लगता है कि हमारे घर पे सबने सिंगल बेड दे दिए और सबने क्वीन साइज बेड ले लिया अलग अलग अपना और सेम यही बेड तीन बेड लेके जा चुके हैं और ये आज चौथा लेने आए हैं फोर्थ। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे सारी सेल्फ सर्विस है तो अब अपने चलेंगे नीचे जो सबसे एंटरटेनिंग जगह है। खुद से हमें सामान पिक करना है पैक हुआ मिलेगा ट्रॉली पे लेके जाना है कार तक और अंदर रख के लेके जाना है घर पे। उन्हें देखी नीचे मेरी एक फेवरेट चीज है उत्थे ट्रॉली ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨੈਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁਮਾਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਯਾਰਡ ਮੈਂ ਸੋ ਅਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਰਵ ਫਰਨੀਚਰ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਨੀਚੇ मैं इसको सिखा के लाया था घर से ही कि वहाँ जाने के बाद मन करेगा ये भी उठा लूँ वो भी उठा लूँ तो अब मैं इसके टेस्ट लिए जा रहा हूँ बार बार पूछ के कि पैसे खर्चने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्लासेस ला के रियासी पाएंगे मैं पिछली बार आए थे ना नाल $22 इसके और दिए थे हाँ $22 का सेट था वो पूरा 6 ग्लासेस का पर मैं वाइन नहीं पीता मैं उसमें एप्पल जूस डाल के पीता हूँ। तो ये आ गए अपने अब यार्ड में हम इधर आते हैं इधरों भी दिखाना। अब इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पे जाना है क्या करना है तो स्क्रीन अपने यूज कर सकते हैं ये रहा। सो फाइंड इन स्टोर ये रहा आइल 5 और 59 ये बीम है सेंटर च लगेगा फिक्सिंग दे टाइम ते ए प्लेट्स जेड़े तू बॉक्स कैरी सी ना कि बॉक्स वाला सिस्टम नहीं होंदा ए प्लेट्स लग जांदी हैं ते ओदे उत्ते मैट्रेस प्लेस हो जांदा है। चलिए हम अब अपने आगे आइल में तो यहाँ पे अपने को ढूंढना है कि वो जो डिटेल थी आइल 5 और 36 ना तो दिस इज आइल 5 और उन्हें अभी अपने देखते हैं आगे निकालते हैं क्या दिखाना मेरे को भाई ये मेरी बेइज्जती कर रही है देख रहा हूँ टुडेज ब्लॉगर भी लाइक ओ भाई खतरनाक ले अपने आगे अब इधर आइल 559 यहाँ से उठाना है ये रहा बेड। अब ये रही ये दो पैकेजेस में आते हैं अपनों को लिखा हुआ था ना कि पैकेज 1 एंड पैकेज 2 ये दोनों चीजें उठानी है अब अपनों को और एक चीज चेक करनी है कि कलर बस सही हो। भाई अब हम थक चुके हैं और अब हम बैठे हैं ट्रॉली पे मैडम लेके जाएगी अब हमें जाना है आयल 8 पे धीरे। अब देखो बर्लिंगटन हाईवे है यहाँ से है लगभग 60 किलोमीटर है घर वापस जाना है मैडम को छोड़ना है और आयरनी देखो स्टूडेंट लाइफ में ऐसी भागम भाग रहती है और वापस से किचनर आना है 100 किलोमीटर तो मेरी जिंदगी में तो भागम भाग ही रहेगी बस। तो वो अब सामने आयल में जाके वहाँ से और चेकआउट करवाना है केड़ी जगह पीठ कट लग रही है वहीं चलते हैं। लो जी अब हमने बिलिंग करवा ली है $309 लगवा दिए विद टैक्सेस मैडम के कैसा लग रहा है फिर खर्चा करके बढ़िया लग रहा अच्छा सारे पैसे कमा के वापस आना है इत्थे। मैंने बोला था इसे मैंने कहा तू आईकिया नहीं गई ना अभी तक बस आज जाने के बाद देखना कैसे दिमाग घूमने वाला है। कार कहाँ पार्क करी है ये नहीं पता मेरे को या वो झंडो के पास करी थी निशानी ऐसे आ गए। अब लाडो के अंदर सामान रखना है सारा ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਟ ਲਟਾਣੀ ਪੂ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਇਧਰ ਸੇ ਸੀਟੇ ਨੀਚੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆ ਗਾੜੀ ਕਿ ਰੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰੇ ये तो था आज आईकिया का एक्सपीरियंस और अब जैसे कि मैंने आपको बताया जल्दी से मेरे को निकलना है मैडम को छोड़ के और फिर जाऊंगा कॉलेज। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यू स्टूडेंट है भाई ये सजेशन है एक बार आने के बाद फेसबुक मार्केट प्लेस पे तो देख ही लेना सामान नहीं वैसे अगर कंपेयर करिए ना तो मार्केट प्लेस पे भी इन्ने का ही बेड देते हैं तो व्हाई नॉट टू बाय न्यू वन क्योंकि पहले वो पुराना टाइम था कोविड से पहले जब लोग फ्री में भी चीजें देते थे और बहुत अच्छी कंडीशन में हमें नई जैसी चीजें मिल जाती थी बट आज के टाइम पे आप कहीं से उठा के लाओगे आपको यू हॉल करना पड़ेगा और अगलों ने पता नहीं क्या कर रखा होता उसके साथ तो क्यों अगर
हमें यहाँ पे रहना ही है, तो मेक श्योर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप आके देख सकते हो। उस हिसाब से इतने का ही नया ही ले ले। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, मत भूलना। ओके चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जा रहा हूँ इसको रखने। ओके बाय।